कि सच्चाई है बाबू कि वहाँ पे अगर काम करेंगे ना तो आगे काम आएगा, यहाँ पे तो आप कई दिन काम दीजिएगा हमको। फिलहाल बताना क्या है ये बोलो। कल तीन को क्वेश्चन दिए थे लीनियर इनइक्वेशन में। अच्छा वो तीनों बता देते हैं, वो ट्वेल्थों वाला के काम आ जाएगा जो बैठल है। तीनों देख लेते हैं, बोलो। पहले नंबर में क्या बोलिएगा? 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 40। दूसरा इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और है कितने ने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये सब नहीं दिला है। ट्वेल्थ वाला ध्यान से, क्योंकि तुम लोग के पांच नंबर क्या आता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। LP एगो चैप्टर है और लीनियर प्रोग्रामिंग इसके बिना कोई बता दे पता नहीं, शायद वो भगवान के अवतार होगा जो बिना इसके पढ़ा देगा लीनियर प्रोग्रामिंग तुमको। मतलब अगर ट्वेल्थों में बताना है ना तो शुरुआत तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। मतलब अगर ट्वेल्थ में भी लीनियर प्रोग्रामिंग कोई बता रहा है, कोई भी टीचर रहे, कोई भी मास्टर साहब रहे, कोई भी गुरु जी रहे, शुरुआत तो जैसे करेंगे। ई जिसको नहीं आता हो कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमाइज मिनिमाइज बता रहा है वो लिख लो, ट्वेल्थों वाला के काम आ जाएगा। हाँ फ़र्क यही है कि ट्वेल्थ में ग्राफ की कॉपी पे बताएंगे और यहाँ ऐसे ही जनरली बताते हैं। पहले कोची करना है सभ्य के संगत समीकरण, इसका भी संगत समीकरण लिखना है, इसका संगत समीकरण जो भी होगा इसका संगत समीकरण 5x + 4y = 40 हो गया और वहाँ से उसका संगत समीकरण लिखना है, इसका संगत समीकरण, इसका भी संगत समीकरण लिखना है कितना x = 2 और इसका भी संगत समीकरण लिखना, मतलब सभी के संगत समीकरण लिखना। बोलो y = 3 लेफ्ट साइड राइट साइड राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो सब रंगेले तुमको इसी में सीख लेना है, मतलब 11th क्लास में, तो पता चल ले कि आप 12th में घूमते रह जाइएगा। देखो इसमें दो गो वैल्यू, एक्स और वाई, बोलो x = कितना। ऐसा से मानना है ना कि 2-3 भी लगभग लपटा जाए, कुछ वैसा उल्टा पुल्टा मत मान लेना कि ज़्यादा परेशानी हो। तो मान लो 0 हटाओ छोड़ो, हाँ 0 ही मान लो। अगर 0 मान लेते हैं तो y = 10 और अगर y = 0 मान लेते हैं तो x = 8 कोई परेशानी नहीं होगा। ऐसे 10 है तो क्या दिक्कत है, माइनस वाला तो कहीं झलक नहीं रहा है, तो जब नहीं झलक रहा है तो प्लसे वाला है, ये है बड़े लेके चलेंगे प्लस वाला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट कितना 10। तो 1-2-3 मानो तब भी पूरा हो जाएगा,
और नहीं तो दू चार मानो तब भी पूरा हो जाएगा। जैसे कोई दू चार मानना शुरू कर दे, दू का दू, दो दूनी चार, दो तीया सॉरी छः, आठ, दस, बारह, चौदह, तब भी मिल जाएगा। इसे दूर दूर पे लिखे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई कहे तीन कहाँ मिलेगा, तो दो और चार के बीच में ढूंढ लेंगे। यहाँ पे वैसे ही दो, फिर चार, छः है, आठ है, ये बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए। मान लेते हैं ग्राफ के कॉपी पे नहीं हो लिख रहे हैं, फिर भी बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए। बारह और चौदह, एक्स के जीरो, वाई के दस, तो यही पॉइंट तो हो गया जहाँ पे एक्स जीरो है और वाई दस है। अगला नंबर एक्स के आठ और वाई के जीरो, एक्स आठ है और वाई जीरो है, ई वाला और ई वाला दोनों मिला दीजिए जो भी हो। किसके मदद से आप ये लाइन खींचे, वो लाइन ज़रूर लिख देना, मतलब समीकरण ज़रूर लिख देना। कितना है? पाँच एक्स प्लस चार वाई बराबर दस सॉरी चालीस। इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड, इतना दिमाग में फिट रहे कि इसके लेफ्ट साइड, इतना तो समझ में आना चाहिए। रंगना नहीं मतलब ठीक है, लेफ्ट एक्स बराबर दो यही ना है, यहीं पे ऐसे करके लाइन खींचो और लिख दो एक्स बराबर दो इसके राइट साइड। चलो इतना समझ में आया कि ये वाला पोर्शन अभी कॉमन है। तीसरा वाई बराबर थ्री, वाई बराबर थ्री कहाँ मिलेगा, दो और चार के बीच में ई वाला, ये हो गया वाई बराबर थ्री इसके ऊपर, क्योंकि वाई में तो बोले हैं लेफ्ट और राइट ना है, वाई में ऊपर नहीं चाहते, इसके ऊपर, इसके लेफ्ट, इसके राइट, यही वाला पोर्शन जो है ना यही कॉमन है। और यही सब चीज़ बात तुमको एलेवेंथ में सीखना, नहीं कि थोड़ा ट्वेल्थ में सिखाएंगे हम, मतलब रंगे ले तुमको पहले एलेवेंथ में सीख लेना है साइडो पोर्शन। वहाँ तो बाउंडेड एरिया बताएंगे, बाउंडेड एरिया ए बी सी मैक्सिमाइज मिनिमाइज, यहाँ कुछ नहीं, बन गया खत्म हो गया बस। अगला बनल है ठीक है, तो अगला बता देते हैं। दूसरा नंबर क्या है बोलो, बस एक लाइन बनेगा, सिर्फ एक ही लाइन बनेगा। कितना है, आठ एक्स प्लस तीन वाई लेस देन की ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू हंड्रेड। अब बाकी जो कंडीशन है वैसे है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स का मान माइनस में नहीं होना चाहिए और वाई भी माइनस में नहीं। पहले तो इसी का संगत समीकरण लिखो, इसी का संगत समीकरण कितना होगा, एक संगत समीकरण हो जाएगा आठ एक्स प्लस तीन वाई बराबर सौ। दो को वैल्यू निकालो एक्स और वाई, एक्स बराबर जीरो, और जीरो उरो मत मानो वैसन में दिक्कत हो जाएगा, कुछ ऐसा मानिए ना कि कट सके। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि नहीं कैसे कटेगा, जैसे एक्स बराबर है कोई पाँच मान ले, एक्स बराबर पाँच मान लेते, एक्स बराबर पाँच मान लिए तो आठ पचे चालीस, चालीस गया घट तो बीस आएगा, आना तो है ही है। फिर एक्स बराबर कुछ वैसे मानते हैं या वाई बराबर अभी मानते हैं, वाई बराबर कुछ ऐसा मानो जो एक से कटे, या एक से बराबर कुछ मानो कितना चार, अगर चार मानेंगे तो बत्तीस, उधर घट के सिक्सटी एट कट जाएगा तीन से, तो फिर वैसे कहल माने उल्टा पुल्टा, जे कटे वैसन वैल्यू जा बैठाना है ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर हम दस बैठा दें, नहीं नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, अगर पंद्रह बैठा दें, पंद्रह अठी बीस से हाँ पंद्रह बैठा सकते हैं, मान लो पंद्रह बैठा दिए, पंद्रह अठी एक सौ बीस घटा दे एक सौ बीस, तब भी गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो वैसा नहीं बताना।
वाई बराबर बैठा दें तो 15, 15 ने 15 घट गया, कितना कट जाएगा 8 से। कुछ कटे वाला वैल्यू दिमाग में सोचो, अगर कट रहा है तो बैठावे के तो हम कुछ भी बैठा देंगे, बैठाने के तो हम कुछ भी बैठा दें, हमारा क्यों उतना रोक टोक है, हम कुछ भी बैठा सकते हैं। लेकिन सोच रहे हैं कि एक बार अगर कटिए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। x बराबर 8 मान लो 8 रख दिए तो अठी अठी, x बराबर 2 माने तो 8 दूनी 16, और 16 घटा दो कट जाता है, तो चलो भाई 2 ही मान लेते हैं। 2 मानेंगे तो फिर उन्हें कितना आएगा देख, उतना जो तोहनी के परेशानी लग रहा है ना हटाओ, हम उतना ने हटाई उतना टेंशन के देता है। x के जगह पे हम मान लेते हैं 20, उतना के माथा पर के जा पर लेता है। x बराबर 20, अब सोच x बराबर ज़्यादा बोलती है, x बराबर ने x बराबर कुछ वैसा मान लेते हैं जैसे कितना 12 कितना x की y x बराबर 64 घटा दो 8 64 नहीं हो गया, 64 घट गया, कितना कितना आएगा 12। चल ठीक ठाक है आ गया। अब यही वाला माइनस में तो है नहीं, ये अच्छा बात है कि माइनस नहीं होता, माइनस तो का जो है यानी हाईएस्ट पॉइंट कितना है, तो हाईएस्ट पॉइंट 20 है। हाँ तो दो दो मानो तब भी पूरा हो जाएगा, दो दो पे भी हो जाएगा, दो का दो, दो दूनी 4, दो तीया 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। एक्स अक्ष पे कितना 5 और वाई के कितना तो ढूंढना, एक्स अक्ष पे 5 यहाँ मिला और वाई अक्ष पे 20 यहाँ मिला, मान के चलिए कि यहाँ है जो x के 5 है और y के 20 है। अगले नंबर में x अक्ष पे 8 और y पे 12, x अक्ष पे 8 और y पे 12 यहीं कहीं है जो x के 8 है और y के 12, ये दोनों मिला दीजिए, अब जैसे भी मिले जो भी हो गलती है सही, ये वाला हो गया, बोलो गलत ही सही। इसका इक्वेशन बताइए, 8x + 3y किधर, लेफ्ट साइड ने, हाँ तो चुपचाप जहाँ तक कि जाता है ना वहाँ तक जाने दीजिए, और लेफ्ट पोर्शन में जितना भी आ रहा है वो सभी ध्यान रहे, गलती से भी रंगते ये गलती से इन्हें मत पहुँच जाना, नहीं इधर पहुँच जाना ना ही नीचे, उतने तक रह देंगे आंसर। इसके बाद फिर x + 2y = 8 2x + y < 8, अब बाकी कंडीशन वही है कि x > 0 और y > 0। बोलो कितना है x + 2y < 8 और दूसरा 2x + y < 8, बाकी फिर वही है कि x > 0 और y > 0, दोनों के पहले संगत समीकरण, इससे पहले ही वाला संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण कितना होगा x + 2y = 8।
दो को वैल्यू निकालना है, एक्स वाई, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर चार, जब वाई ही जीरो तो एक्स बराबर आठ। वैसे ही यहाँ निकाल लेते हैं इसका संगत समीकरण, इसका भी संगत समीकरण टू एक्स प्लस वाई बराबर आठ, दो को वैल्यू निकालो, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर आठ, और अगर यही जीरो तीन वाला चार, उधर तो खैर कहने ने माइनस वाला भी ज़रूरत है ये नहीं, तो इतना जगह काफ़ी होता है, हाईएस्ट पॉइंट आठ है तो जीरो, एक दो मानेंगे तब भी पूरा हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ढेर दूर तक मान लिए, यहाँ एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः है, सात है, आठ है, नौ है, दस है, एक्स जीरो है, वाई चार है, यही वाला पॉइंट जहाँ एक्स जीरो वाई चार, अगला में एक्स आठ है और वाई जीरो, ये दोनों मिला दो, और जिसके मदद से लाइन खींचा है समीकरण बताइए, एक्स प्लस टू वाई बराबर आठ, इसके लेफ्ट साइड या इसके राइट साइड, एक लेफ्ट साइड तो ही ना होगा, और कैसे देखना ये भी सिखाएं कि कहाँ से देखना होता है तुमको, नीचे से ऊपर, वहाँ वाला एक्स के जीरो वाई के आठ, तो यहाँ मिलेगा एक्स के जीरो वाई के आठ, फिर अगला नंबर में एक्स के चार वाई, अब इन दोनों को मिला दो, ये हो गया, आप जिसके मदद से लाइन ड्रॉ किए हैं समीकरण को बताइए, टू एक्स प्लस वाई बराबर आठ, इसके भी लेफ्ट तो दोनों के लेफ्ट, और दोनों के लेफ्ट यही वाला कॉमन पोर्शन है, यही वाला आप छायांकित कर दीजिए शेडो, हो गया आंसर, और था नहीं नहीं ठीक है, तो तीनों लिख लो, इतना तो कम से कम आना चाहिए, तब जाके ट्वेल्थ में फिर लीनियर प्रोग्रामिंग बनेगा LP। टाइम है अभी टाइम, एक काम करते हैं एक दो एग्जांपल दे देते हैं, मिसलेनियस एग्जांपल बता देते हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स बता देते हैं, ऐसे ही टाइम है कम से कम, मिसलेनियस क्वेश्चन कभी और बता देंगे, मिसलेनियस एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 16, मिसलेनियस एग्जांपल, सोल्व माइनस एट लेस देन इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री लेस देन सेवन, इसको सॉल्व कीजिए, उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 16, क्योंकि ग्राफ कुछ बचा नहीं, अब बताएं कोची हम, चलो यही बता देते हैं, हल कीजिए और बताएं कि एक्स का मान कितना होगा, एक्स के सॉल्यूशन कितना होगा, एक्स की सॉल्यूशन क्या होगा, कितना
हाँ, एगो क्लोज ब्रैकेट होगा, एगो ओपन ब्रैकेट होगा, एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन। नियम कहता है कि इस तरह के हिसाब बनाने के लिए सबसे पहले आप ही देखिए, नहीं है एनसीईआरटी में इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ा, ये केसी सिन्हा में, तो केसी सिन्हा जब पढ़ाएंगे ना तो हम पूरा गारंटी एकदम देते हैं, ऐसी नहीं बोल रहे यूट्यूब के सामने बोल रहे हैं, बाद में तो नहीं देख लेना, केसी सिन्हा के एक एक प्रॉब्लम बता देंगे, एक एक प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठा के वहाँ बोल दिए, रिकॉर्डिंग है, वीडियो नंबर इक्यावन है आज, लीनियर प्रोग्रामिंग के शायद ग्यारहवां नंबर होगा, ग्यारह नंबर में जाके देख लेना कि आप बोले थे केसी सिन्हा के एक एक हिसाब हम बता देंगे, जैसे त्रिकोणमिति में हम बोले थे उस सुधीर सिंह के कि एक एक हिसाब बता देंगे, हम बता देंगे, अभी जरी बिजी हैं तो टाइमा नहीं मिल रहा, थोड़ा सा अपने काम में अस्त व्यस्त हैं, एक एक हिसाब जो कहता है ना घर से ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, पूरा खींच खींच के हम बता देंगे, एक एक हिसाब बता देंगे, वैसे लीनियर इक्वेशन में एक एक हिसाब कैसे सिन्हा के हम बता देंगे, एक एक हिसाब, लेकिन जरी टाइम चाहिए हमको, एक दो दिन और बस ज़्यादा नहीं, फिलहाल ये कैसे सिन्हा का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में दे तो दिया है मिसलेनियस में, लेकिन पढ़ेल नहीं दिया था ये, कि आप एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कीजिए। बताते हैं सबसे पहले करना को जी ने कि जो एक्स वाला टर्म है इस पर ध्यान देना, कि एक्स वाला टर्म में पहले धीरे 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 सब एलिमिनेट करें, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले ख़त्म करेंगे माइनस तीन, और माइनस तीन ख़त्म करने के लिए हमको सभ्य में अब आगे अपने तो सोचो कि क्या किए सब में, हम सब में तीन, क्योंकि जोड़ेंगे तबे तो तीन से तीन, और ये ख़त्म करने के लिए इसमें जोड़ना पड़ा तो सब में जोड़ना पड़ा, ये हो गया माइनस पाँच लेस देन इक्वल टू फाइव एक्स लेस देन इक्वल टू, सॉरी गड़बड़ हो गया, दस। अभी भी अब यहाँ से हमको तो ठीक है तीन ख़त्म हो गया, अब पाँच ख़त्म करना, तो पाँच ख़त्म करने के लिए सभ्य में पाँच से भागा, तो ये हो गया माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू दो। इसका मतलब है कि एक्स के मान दो से छोटा, एक्स के मान दो से छोटा, दो से छोटा ओपन इंटरवल, दो से छोटा, लेकिन माइनस वन से बड़ा या तो बराबर, इसलिए क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल माइनस वन और ओपन इंटरवल में टू, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू ओपन इंटरवल। एक और ऐसे क्वेश्चन, अब टाइम में है तो एक और एग्जांपल लिखो, ये भला छाप लेना, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल माइनस में फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव माइनस थ्री एक्स बटा दो लेस देन इक्वल टू आठ, ये सब क्वेश्चन केसी सिन्हा में भरल है, और वहाँ तो बताना ही बताना है, हर हालत पे हमको बताना है।
बन गया, कितना आंसर आएगा? देख कितना स्ट्रेस नहीं लो, कह रहे हैं कि केसी सिन्हा मेसन एसन मतलब अच्छा नहीं, दस ज़्यादा है, दस को कहा है, अच्छा 20-25 हिसाब है, हाँ तो 20-25 हिसाब है, तो वहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा डाउट, ऐसा नहीं कि दुए हिसाब में आपका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं सर, वहाँ 20-25 हिसाब है केसी सिन्हा में, तो वहाँ जब पढ़ाएंगे तो वहाँ डाउट इससे ज़्यादा क्लियर होगा, इसमें कम है। सबसे पहले तो हम ख़त्म करेंगे दो, और दो ख़त्म करने के लिए सभ्य में दो से गुना, पहले तो सभ्य में दो से गुना समझ लेना कि यहाँ पर भी हम दो से गुना कर रहे हैं, सभ्य में दो से गुना, सब में दो दो दो, अच्छा इसमें गुना करना भूल गए ना, सब में दो से गुना, ये कट गया, इधर हो गया माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 16। अब क्या करें, सभ्य में पाँच घटा देंगे, काहे घटा देंगे, क्योंकि जब तक घटाएंगे नहीं तब तक ये पाँच कैसे ख़त्म होगा, कटेगा कैसे, ये तो खैर कट गया, इधर हो गया माइनस में 3x लेस देन इक्वल टू कितना 11। अब हम चाहते हैं माइनस 3 भी ख़त्म हो जाए, तो सभ्य में माइनस 3 से भागा, सभ्य में माइनस 3 से भागा, चिन्मा देवल लगता है भूल गए अच्छे से, नहीं चिन्ना देवल भूले ने पूरा होश में हम हैं, माइनस 3 से जब भागा देंगे ना, तो जब भी आप माइनस से गुना या भागा करते हैं तो आज से 20 दिन पहले ही हम बता दिए थे कि चिन्हा बदल जाएगा, चिन्हा घूम जाएगा, शुरू में हम पढ़ा दिए थे सब चीज़, भाई इसे ही कैंसिल, इसे ही कैंसिल, इसे ही कैंसिल, उधर माइनस 3, तो इधर हो गया कितना 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में 11/3। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स का मान किससे बड़ा है, माइनस 11/3 से बड़ा है या तो बराबर, इसलिए क्लोज इंटरवल, और किससे छोटा, 5 से छोटा है या तो 5 के बराबर, इसलिए क्लोज इंटरवल। आंसर रह देते हैं आज यहीं तक, बाकी इसमें जितना उदाहरण है ना उससे कई गुना ज़्यादा, 3-4 गुना ज़्यादा किसी से ना हमें प्रॉब्लम मिलेगा, इसमें तो हर टाइप है, ये लगभग इसमें हर टाइप है, उसमें है कि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन उसमें हर टाइप समेट लिया। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं तो हम एग्ज़ाम्पल ही बता देंगे, कल इससे आगे एग्ज़ाम्पल हम कंटिन्यू कर देंगे, और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी बता देंगे, उसके बाद केसी सिन्हा वाला प्रॉब्लम।